कह रहा है कि जब FIR में लिखा गया है 1 जून को बारिश होगी तो पहले कैसे हो गया है। और ओला बड़का बड़का होता है, इतना बड़ा बड़ा खोपड़ी पे गिर जाएगा ना ओला, आप एकदम कोई नहीं बचा सकता उसको, यहाँ पर खत्म कहानी हो जाएगा वहाँ पे। ये बाबू का क्वेश्चन है कि अभी कौन सी बरस गया, ये बेचारा एकदम सीरियस ले लिया है दरोगा। कह रहा है कि जब FIR में लिखा गया है 1 जून को बारिश होगी तो पहले कैसे हो गया है। FIR फर्जी है नहीं, अरे दरोगा यहाँ पे, इसे कहते हैं प्री मानसून। कभी कभी मानसून पहले ही चला आता है लेकिन वो ज्यादा मात्रा में नहीं आता। जैसे देखिएगा, दौड़ होगा ना तो गिनती होगा, जैसे कहे 1 2 3 गिनते गिनेगा, जैसे कहे 1 तो ले कोनो पहले ही दौड़ जाएगा, ले ऐसे सुरा वही है प्री मानसून। समझा गया, फिर वो लौट के आता है, ज्यादा दिन नहीं होता है, एक आध दिन बरसता है लेकिन मेन अपना शेड्यूल टाइम टेबल से बरसेगा 1 जून से, तो एक हो गया प्री मानसून। ऊ बबुआ का क्वेश्चन है कि बादल में से ओला कैसे बन जाता है। देखिए बाबू, ऊपर जाइएगा जैसे जैसे हाइट पर तो टेम्परेचर कम होने लगता है। बादल जितने ऊंचाई पर रहते हैं सब, वो बादलों की जो ऊंचाई होती है -10 या -15 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं सब। जहाँ हवाई जहाज उड़ता है -60 होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर एक जेट धारा चलती है, जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। आगे पढ़िएगा जेट स्ट्रीम के बारे में। तो क्षोभ मंडल तो 14 किलोमीटर पे होता है बाबू, तो इसमें -15 -10 टेम्परेचर होता है। लेकिन जैसे आदमी कहाँ जाता है, समताप मंडल पे, टेम्परेचर कितना -60। इसका मतलब जहाज में बाहर झांकेंगे तो मरना एकदम फिक्स है, आप एकदम कोई नहीं बचा सकता है उसको, यहाँ पर खत्म कहानी हो जाएगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में तो बादल रहता नहीं है, ये हो गया पृथ्वी, ये कौन सा है क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल। वायुयान किसमें जाती है? समताप। इसका टेम्परेचर -60 हो जाता, -40 से -60 के बीच में रहता है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, नीचे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जो वातावरण जहाँ रहता है ना, पृथ्वी कितने डिग्री, 15। गर्मी के दिन में हम लोगों के वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री चला जाता है, आदमी एकदम चुनचुनी होने लगता है। अब तब हैंडपंप से नहाएंगे तो हैंडपंप कितना देता है, 15 डिग्री। अब बाहरवा है 40, नहाएंगे 15, लगेगा वाह हैंडपंप कितना ठंडा पानी दिया, अरे वो 15 ही दिया है। ठंडी के दिन में हमारे घर और मोहल्ले का टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री, कभी 0 चल जाता है, कभी 5 डिग्री 10 डिग्री, और उसमें आप नहाएंगे 15 डिग्री से, कहेंगे वाह एकदम गरम गरम पानी दे रहे, अरे ना हो तो बबुआ वो कितना है 15 डिग्री। ये NDA में क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी सतह का टेम्परेचर 15, ऊंचाई पे जाएंगे तो घटेगा, और जितने ऊंचाई पे बादल होते हैं वहां हो जाता है -15, कितना हो जाता है माइनस। अब बताओ बाबू, फ्रिज जो होता है ना फ्रिज, वो -4 से नीचे नहीं ले जा पाता है। आपके फ्रिज जो होता है ना फ्रीजर, उसकी क्षमता ही होती है कितनी ले जाना, माइनस, जबकि 0 डिग्री पे बर्फ बना देता है। तो बर्फ बनने के लिए कितना टेम्परेचर, 0 डिग्री एकदम कट ऑफ है, उससे तनी सा और कम करना पड़ता है, 0 डिग्री से तनी सा और कम। जैसे मान के चलिए 80 नंबर कट ऑफ गया, आप चल गए 80 नंबर पे, तो मेरिट में भी छट सकते हैं, तनी सा हेल जाइए। तो बर्फ बनना चालू होता है 0 डिग्री, कंप्लीट बर्फ नहीं बनता, तनी सा कर देगा -1 -2, कंप्लीट क्या बना देगा बर्फ। अब वहां कितना है, -15 वहां बर्फ बन जाएगा कि नहीं बन। गनीमत यह है कि बादल दूर दूर है सब, अगर ये बादल सट गया तो सारे बादलों में थोड़ा थोड़ा पानी है, सटा सटा के कह देगा बरस बरस बरस। और कहीं ज्यादा सट गया बादल, ज्यादा आपस में क्या हो गया सट गया, और ज्यादा पानी ले लिया तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो आपके हिसाब से बर्फ तो हर बादल में बन जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन बर्फ बनने के लिए मोशन नहीं होना चाहिए। बर्फ पिघलाना है ना तो इसे हिला दीजिएगा बर्फ वहां टूट जाता है। तो बादल गति करते रहते हैं, बादल क्या करते रहते हैं, गति कर। तू ससुरन में बर्फवा कहता है, अरे रुक ससुरा तुरे -15 हम जमा देते हैं, तो बादलवा कहता है चल तो हम चलेंगे हम आप, तो क्या होते रहता है चलते रहता है। लेकिन कहीं कहीं ससुरा आराम किया और बादल आके मिला और किया ये आराम, बन जाएगा ओला। क्या हो जाएगा ओला, और ओला बड़का बड़का होता है, इतना बड़ा बड़ा वो गिरता है तो पिघलते हुए आता है, इतना तेज गति से गिरते 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 तब इतना बड़ा बड़ा गिरता है।
समझ में आ गया ओला, आ खोपड़ी पे गिर जाएगा ना ओला, मर जाएगा आदमी, कभी कभी बड़का गिर जाता है ओला तो धड़ाम धड़ाम गिरते हैं, वो तो पृथ्वी पर आते आते कितना हो जाते हैं से? छोटे छोटे, मौका नहीं मिलता है ना उन जगह, बड़का बड़का जम जाए। समझा, ओला वायुयान चालन के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बारिश में क्या होगा, क्या हो सकता है, बारिश लैंड कर सकती है, लेकिन पत्थर टटर गिरेगा वो कहीं इंजन में जाकर क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। बोली बादल फटता कैसे? बादल का फटना पूछ रहे हैं कि बर्फ पूछ रहे हैं? इन बाबू का क्वेश्चन है, देखिए ये बादलों को अपना फ्रिज समझ रहे हैं। इनका कहना है कि बर्फ बन गया तो टुकड़ा टुकड़ा में काहे गिरता है ना बाबू, एक जगह नहीं बनता है ना, जो जिधर गुट बनाया कतक भाई एकदम शांति हो लो, बादल गति नहीं कर रहा है, चल बर्फ बन जाते हैं, तो धाए दहिया जो बना तनी सा बर्फ बन गया, कहा अरे रे सुरेंद्र चा बर्फ बन गई लो हम बन जीतो, दाएं दाएं क्या हो जाता है, बन जाता, वो बनता ही है छोटा छोटा, जो जहां मिला, जैसे मान के चले यहाँ 10 को बादल थे सब, और 10 बादल गति कर रहे थे सब, कर रहे थे, बताओ का दिन आ गया है, -15 होने के बाद भी हम नहीं जम सकते हैं, गति कर रहे हैं, अब तब तक गति रुका बादल का, दाएं दें यहाँ पे जो है सड़क से शुरू क्या बन जाएगा, बादल बर्फ बन गया, तो उधर का सिकुड़ के बर्फ, तब 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 तक क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तब तक बादल घुसी आएगा, हमसे बिना पूछे कैसे बना रहे तुम, गति कर तो हम यहाँ पे, तब तक बारिश बादल क्या कर देगा, गति कर देगा, और गति करेगा तो दूसरे बादल से मिलेगा, और उसके बाद बारिश चालू हो जाएगी, तो ओला गिरने के कुछ देर बाद क्या चालू हो जाती है, बारिश चालू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा मत सोचिएगा फ्रिज में इतना बड़का चक्का जम गया, तनी तनी गिर रहा है, दूध आना इधर दूध आना इधर, जहां जहां बादल थे सब सड़क से क्या हो गए सब, एक्वर्ट गए सब, -15 था तुरंत क्या बन गए सब, बर्फ, अब तो क्या हो गया सब, बर्फ।